हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देसी किचन में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं बिल्कुल बाजार के जैसी लस्सी, जो बिल्कुल आसानी से बन जाती है। और आप बाजार के जैसी लस्सी एकदम घर पर बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जैसी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में लस्सी बहुत ही टेस्ट लगती है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने 1 किलो दही ले लिया है। और फ्रेंड ध्यान रहे, हमें दही खट्टा नहीं लेना, इसमें मीठा दही लेना है। और 4 चम्मच लिए हमने मलाई और 1/4 कटोरी चीनी। और कुछ लिए हमने ड्राई फ्रूट, जिसके लिए हमने लिया है पिस्ता, बादाम और कुछ किशमिश। पिस्ते को और बादाम को हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम दही ले लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को डालकर हमें दही को अच्छे से फैट लेना है। फ्रेंड दही और चीनी एक साथ फैटने से 2 फायदे होंगे। एक तो हमारी चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी और हमारी दही भी फैट कर बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी। तो इसलिए हमें इसको एक साथ फैट लेना है इस तरीके से। इसको फैटने में हमें लगभग 5 मिनट लगे हैं फ्रेंड, और हमारी दही और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इस तरीके से फैटने से। तो देखिए फ्रेंड, दही हमारी बिल्कुल फैट कर हमने तैयार कर लिया। और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच मलाई। मलाई को डालने के बाद हमें इनको भी हल्का सा फैटना है। हमें सिर्फ इतना फैटना है कि मलाई इसमें अच्छे से घुले ना, सिर्फ कुछ हल्की सी दरदरी सी रह जाए। आपने देखा होगा कि बाजार में जो लस्सी होती है उसमें हल्की सी मलाई आती है, क्योंकि उसमें मलाई ऊपर से दही में मलाई जमी हुई होती है। तो इसमें हमारी दही में मलाई नहीं थी, तो हमने ऊपर अलग से मलाई डाली है फ्रेंड। तो देखिए हमारी दही फटकर कुछ इस तरीके की हो गई है। वो देखिए, ये देखिए कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम करते हैं गिलास की तैयारी। गिलास को हम गार्निश कर लेंगे नारियल के बुरादे से। तो चलिए फ्रेंड, ये देखिए हमने ये दही ले ली है और अब हम गिलास को दही में डिप करेंगे। पहले इस तरीके से डिप कर लेना है हमें। तो देखिए फ्रेंड, ये दही में हमने डिप कर लिया है और अब हम ये करेंगे इस तरीके से डिप नारियल के चूरे से, ताकि हमारे गिलास अच्छे से डेकोरेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, गिलास हमारे इस तरीके से हमें डेकोरेट कर लेने हैं। आप चाहे तो नारियल के चूरे में हल्का सा कलर भी मिला सकते हो, ताकि इसे देखने में और अच्छी लगे। क्योंकि हमारी लस्सी वाइट होती है, तो इसलिए अगर आप इसमें कलर डालोगे तो थोड़ा कलरफुल हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, गिलास हमने 4 गिलास हमने तैयार कर लिए हैं लस्सी के लिए। 1 किलो लस्सी है। तो चलिए अब हम इनको गिलासों में सर्व करेंगे। गिलास में डाल लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड लस्सी को गिलासों में करछी की सहायता से भी डाल सकते हो, या आप इस तरीके से जिस बर्तन से ले रहे हो आराम से उससे भी डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, लस्सी को मैंने 1 गिलास में डाल लिया है। इसी तरीके से मैं इसे दूसरे गिलास में भी डालकर तैयार कर लूँगी। जिस तरीके से हमने इन गिलासों को भर लिया है, इसी तरीके से हमें और बाकी के गिलासों में भी लस्सी को डालकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, लस्सी को हमने 4 गिलासों में कर तैयार कर लिया है और अब हम इनको ड्राई फ्रूट से करेंगे इनकी गार्निश। सबसे पहले इसमें लेंगे हम बादाम, जो हमने बारीक बारीक काट कर रखे हुए हैं। 4 गिलास में इनकी गार्निश कर लेंगे। ये दही फ्रेंड हमारी ठंडी थी, तो हमने इसलिए इसको फ्रिज में नहीं रखा। और चलिए अब हम साथ ही डालेंगे पिस्ते की गार्निश कर लेंगे इसकी। तो देखिए फ्रेंड, हल्का हल्का सा हम ऊपर से डालेंगे पिस्ता। और अब हम साथ ही डालेंगे इसमें किशमिश, 4-4 5-5 दाने। तो देखिए फ्रेंड, लस्सी हमारी बिल्कुल अच्छे से गार्निश हो चुकी है। और अब हम आपको दिखाएंगे चम्मच से इसको अच्छे से चलाकर। तो देखिए फ्रेंड, ये किस तरीके की बिल्कुल बनकर तैयार हुई है।
और आप, हाँ ध्यान रहे फ्रेंड, आपको मीठा अपने हिसाब से डालना है, आप कितना खाना पसंद करते हो। और अगर आपने दही खट्टा लिया है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डालना होगा, और अगर मीठी दही है तो हल्का ही चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, लस्सी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हुई है। और हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को फुल वॉच करें फ्रेंड।